अच्छा तो ये मैंने फाइनल कर लिया। देखें, सबसे पहले तो ये आपको समझ आ गया, मैंने डाला था यहाँ पे, इन्फॉर्मेशन डाल दिया, एसेंट डाल दिया। अब हमने फिर सब तीनों की फाइल डाउनलोड करके तीनों का डाटा यहाँ पे कॉपी कर दिया इसमें ही, उसी का नाम चेंज करके तीन सब कैटेगरीज का। अगर आपकी ज़्यादा है ना, अब यहाँ पे यूँ ऐड करके ना प्लस के साइन से, यहाँ पे आपको प्लस का साइन शो होगा, ए ये वाला, इसका आप नाम दे सकते हो, आपको योर इसमें ऐड कर सकते हो, ये शीट आपके यहाँ पे आ गई। ठीक तो मल्टीपल ज़्यादा कैटेगरीज हो तो ज़्यादा शीट्स ऐड कर सकते हो इस तरह आप करके। ठीक है, उसमें फिर आप उनका नाम देकर उस कैटेगरी का उसको ऐड कर दो इसी तरह यहाँ पे। तो उसके बाद फिर मैंने कंपेटिटर परफॉर्मेंस स्कोर का फिल्टर अप्लाई किया, 10 से 8 होगा। उसका मतलब होता है कि जितना हाई कंपेटिटर परफॉर्मेंस स्कोर होगा ना, उतना ही आप जो कंपेटिटर्स आपने सेलेक्ट किया उतने ही ज़्यादा वो कंपेटिटर्स उस पर रैंक होंगे टॉप पोजिशन पे उस कीवर्ड पे। इसका मतलब होगा सुपर एलिमेंट कीवर्ड। ठीक है, अब आप उसको ना यहाँ से इसका फिर मैंने साथ चोलिंग सब टोटल कर लिया। इस तरह मैंने इसमें भी इस तरह ही किया, और इसको आप साथ चोलिंग साइड टू लो सॉर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएंगे, शोर है शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ से ये आ जाएगा, ये इसका सर चोलिए टोटल ही आ गया, और यहाँ से टोटल इसका ये आ जाएगा। ठीक है, तो हाँ, आपने एक चीज़ आपने एक सिर्फ ये चीज़ नहीं देखनी कि वो कितना रेलिवेंट है आपकी प्रोडक्ट, आपने ये भी देखना है वो कीवर्ड भी रेलिवेंट है या नहीं है। ठीक है, और बेहतर आइडिया हो जाएगा। और फिर हमने इसको टोटल सब करके ना, सब चार चोलिंग को सब टोटल करके, तो यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया। और असल में एक और चीज़ भी है, अभी पॉसिबल इसका ज़रूरी नहीं है ये मेल होल्डर इसका मेन कीवर्ड ही हो, ये मेल ऑर्गेनाइजर भी हो सकता है। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल देने के लिए समझाया। जब आपने कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है ना, उसका आपने सबसे पहले प्रॉपर मेन कीवर्ड कन्फर्म करना है, ताकि आपको करेक्ट कैटेगरी से हों। ठीक है, अब वैसे अगर इसकी मिसाल देखें तो अगर हम देखे जाएं तो ये मेल सॉर्टर में हमें स्पेस सर्च वॉल्यूम मिला है, इसमें ये मिला है, इसमें ये मिला है। जिस सब कैटेगरी में आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कीवर्ड्स होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्च वॉल्यूम होगा ना रैंक करने के लिए इस प्रोडक्ट के, आप उसी कैटेगरी में जाओगे, उसी सब कैटेगरी में आप सिलेक्ट कर लोगे। उसके अलावा फिर हमने क्या करना है कि जितने भी है ना, इन तीनों के कीवर्ड को हम कंबाइन कर देंगे। ठीक है, हम एक जगह भी सेव कर लेंगे यहाँ से कॉपी करके इन सारों को, ताकि हमारे पास सारे जितने भी टोटल कीवर्ड हैं ना, उनका डाटा हमारे पास एक साथ आ जाए, हम उनके साथ फिर हम जिस मर्जी तरह प्ले करना चाहें कर लें। तो लेकिन वो अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें मैंने एक दो चीज़ें देखनी है, फिर मैं आपको कंफर्म करके बताऊँगा कंबाइन करना है, कौन कौन से कॉलम्स और ऐड करने हैं। अभी के लिए आपके लिए इतना काफ़ी है, अभी के लिए बस आप सिर्फ इतना आइडेंटिफाई कर ले करेक्ट सब कैटेगरी कौन सी होगी। लेकिन इसमें आपने हर चीज़ कन्फर्म करनी है पहले, कंपेटिटर सेलेक्ट करने से भी पहले उस कैटेगरी में देख लेना कि वो वही सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं। और जब कैटेगरी में आप कीवर्ड यहाँ पे शो हो जाएंगे, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ से मैं देख रहा हूँ ना इसमें, तो मुझे पता लग रहा है मेल सॉर्टर की हैं सारे, मेल होल्डर की। इसमें मैं देख रहा हूँ एक कीज़ है, इसमें ज़्यादातर मुझे कीज़ की के रिलेटेड चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है, आपको भी की वाली नज़र आ रही होंगी, तो माइट भी पॉसिबल है कि ये मेरी सब कैटेगरी बनती ना हो उस तरह, लेकिन एग्जाम्पल के लिए हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, और वैसे अगर जनरल देखूँ तो भी मेरी मेन कैटेगरी बनी है। माइट भी पॉसिबल है कि मेरा मेन कीवर्ड मेल होल्डर के बजाय मेल ऑर्गेनाइजर हो सकता था, कुछ और हो सकता था। तो आपने सबसे पहले अपना मेन कीवर्ड कंफर्म करना है, उसके बाद उसकी सब कैटेगरी सर्च करके एलियम आर के बाकी चीज़ें आपने देखनी। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गया, मुझे बताएं कुछ क्वेश्चन है तो। भाई कीवर्ड काउंट का जरा अगेन बता दीजिएगा, किस तरह से काउंट किया आपने? कीवर्ड काउंट आपको ये खुद ही शो कर देगा। कीवर्ड काउंट अगर आपको यहाँ पे शो ना और हो ना, तो जब जहाँ पे आपने फिल्टर अप्लाई किया ना, उसी पे जाके एक दफा ओके कर दो कि यहाँ पे आपको नीचे शो हो जाएगा इसका ये। ठीक है, भाई समझ नहीं आई इसकी कीवर्ड काउंट। कीवर्ड काउंट ये एक्सेल ऑटोमेटिकली आपको बता देगा, जब आपने देखो फिल्टर मैंने हटाया ना जी, अब मैं इसको ओके करूंगा ना, सिर्फ आपने ओके कर देना। ठीक है, अभी आप अब आप जब फिल्टर अप्लाई करोगे ना, कोई भी फिल्टर आप अप्लाई करते हो, तो आपके पास कीवर्ड का काउंट आ जाएगा। ये 6 से 10 के बीच में किया, ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे कीवर्ड दिखा देगा, 412 फाउंड हुए हैं, मतलब टोटल 412 ऐसे हैं जिनका ये कंपेटिटिव परफॉर्मेंस स्कोर आउट ऑफ 11,000 में से, तो ये 412 हमारे कीवर्ड में। सर, अब मैं इसको मजीद सॉर्ट करता हूँ ना, मिसाल के तौर पर
लगा तो मुझे ऐसे दिखाओ जिसमें सर्च वॉल्यूम, वो कीवर्ड ना दिखाओ जिनका सर्च वॉल्यूम ही ना हो, इस पे करूंगा ये मैं और कम हो जाएगा इस तरह। ठीक है इस तरह आप कंपेटिटर परफॉर्मेंस स्कोर जो है वो 6 से लेके अगर 10 है वहां पे अवेलेबल है तो हमने 8 से लेके 10 तक करना है, 6 से 10 तक, 6 से 10 तक अगर 8 है तो फिर 4 से 8 तक, अगर 8 का क्या है तो 4 से 8 तक कर लो। नहीं इसके कंपेटिटर स्कोर के इक्वल होंगे इनके इनके जैसे कंपेटिटर स्कोर जितना 4 to 8 होगा वो हमने कीवर्ड काउंट वो हमने उठाने। अगर अगर आपके पास 10 का नहीं आ रहा, 10 का ऑप्शन किसी कैटेगरी में नहीं आ रहा तब, अगर 10 का आ रहा है तो फिर आप 6 से 10 तक ही चूज करो। ठीक हो गया भाई। बाकी जब आप दूसरी किस्म की कीवर्ड रिसर्च करते हो ना उसमें मैं आपको बता सकता हूँ उसमें आप 4 to अगर आगे 10 आ भी रहा है तब भी आप 4 to 6 वाले चूज करो कि जिसमें आपके पास मॉडरेट कंपटीशन है, लेकिन इसमें अभी हमने अपनी रेलिवेंसी देखनी है कैटेगरी की सिर्फ इस केस में, इसलिए हम सुपर रेलिवेंट सारे सिलेक्ट करते हैं जो टॉप जिनमें सारे कंपटीटर रैंक करें। अभी हमने इसकी रैंकिंग के लिए कीवर्ड रिसर्च वो चीज़ नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ अपनी रेलिवेंसी चेक कर रहे हैं किस कैटेगरी में हमारे पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। ओके भाई और किसी का कोई क्वेश्चन? भाई जी जरा फर्स्ट मेन पेज पे चाहिए ना जी यहाँ से हमने आप परसों बता रहे थे ना कि जोन सी कैटेगरी में हमें जाना चाहिए, सब कैटेगरी में जिसका सर्च वॉल्यूम सबसे ज्यादा हो उसके अंदर जाना चाहिए, हमें लिस्टिंग करनी चाहिए। सर्च वॉल्यूम भी हो और कीवर्ड काउंट भी ज्यादा हो, सही है। अगर कीवर्ड काउंट कम आ रहा है सर्च वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है ना तो तब भी आप सर्च वॉल्यूम को प्रेफरेंस दो। ओके भाई जी अच्छा दानियाल मैं आप चेक कर लेता हूँ। भाई जी आज जितना मैं यहाँ पे डिस्कस किया है इतनी फाइल बना के आपको सेंड कर दूँ, आपने इसी तरह की फाइल बना के सेंड करनी है मुझे? ओके भाई सेंड किस तरह करनी है भला? मैं एक गूगल क्लास रूम बनाऊंगा, गूगल क्लास रूम का कोड आपको भेजूंगा, आपने ज्वाइन करना है और उसके अंदर आपने अपनी कमेंट सबमिट करनी है। ओके ठीक है बाकी जो कंबाइन करने वाला है ना वो फिर बाद में देखेंगे। हेलो 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 आपने ग्लोबल कीवर्ड वाला रिसर्च करनी, ग्लोबल कीवर्ड वाला करना सिंपल वाला तो जो मैंने आपको बताया वो उसके लिए है। जी जी ये जो आपने कहा है कि मेल होल्डर हमारा एग्जैक्ट कीवर्ड नहीं हो सकता, मेन कीवर्ड माइट हो सकता, मैट भी हो सकता है और कभी नहीं भी हो सकता, तो अगर हमने पता करना हो कि हमारा मेन कीवर्ड क्या है तो उसके लिए क्या टेक्निक है? उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा ये अच्छा टोटल सर्च वॉल्यूम वाला इस तरह है ना, आपको बता देता हूँ दोबारा एक दफा, ये फार्मूला होता है
आपने सबसे पहले इक्वल टू डालना है, फिर आपने लिखना है सब, आपके पास ये तीन ऑप्शंस आ जाएंगे। आपने ये सेंट्रल ऑप्शन है सब टोटल, इस वाले पे क्लिक करना है, आपके पास और ऑप्शंस खुल जाएंगे, इसमें से हमने ये चूज नाइन सम वाले पे क्लिक कर लेगा, बस नाइन आ गया। अब आपने कॉमा लगाना है और जो आपका ये सर्च वॉल्यूम वाला कॉलम है ना, पहला वाला सबसे पहला जो आ रहा है, इस पर आप क्लिक करें और कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की दबाएं ताकि पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाए। सिलेक्ट हो गया, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दें और एंटर कर दें, तो ये आपके पास सर्च वॉल्यूम टोटल आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी समझ आ गया। अच्छा मेन कीवर्ड यार, इसी को देख लेते हैं। अगर मैं ये उठा लेता हूँ, ये मुझे दो तरीके हैं, एक तो आप इसका यहाँ से रिवर्स एक्सरे रन करके जो सबसे टॉप का जो सेलर आ रहा है ना, आप उसका एसिन ले लो, या आप डायरेक्ट यहाँ से जो बेस्ट सेलर है उसका एसिन भी आप ले सकते हैं। अच्छा ये मेरे पास आ गया सब, ये इसकी सबसे ज़्यादा सेल्स है, मैं इसको कॉपी कर लूँगा, इसका रिवर्स सेशन कर लूँगा। एक ही अब आपको कंफर्म नहीं होगा तो मेन कीवर्ड क्या है, आपने उस प्रोडक्ट का जो सबसे ज़्यादा सेलर है ना जिसकी वर्ड पर आपने सर्च किया, वही सेम प्रोडक्ट भेज रहा है। आप उसका रिवर्स एसिन करके ना आपने शॉर्ट करके देखना है, जो हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम वाला कीवर्ड होगा ना और रेलिवेंट कीवर्ड होगा वही आपका मेन कीवर्ड होगा। ऐसे भी मैं आपको बता देता हूँ, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने यहाँ पे आके ऑर्गेनिक रैंक जो आ रहे हैं यहाँ पे वन से आप 40 कर दें। तो सारा चलेंगे सॉर्ट, आपके पास ये कीवर्ड्स आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे ये मेल ऑर्गेनाइजर आ गए, तो मेल ऑर्गेनाइजर को मैं पहले खोल देता हूँ। नीचे फिर मेरे पास की ऑर्गेनाइजर आ गया, की मेरा रिटेन नहीं है, वॉल ऑर्गेनाइजर नहीं है, मेरा मेल है, एक ये मेल होल्डर है मेरे पास, ये दो कीवर्ड है। अब मेल ऑर्गेनाइजर में आप देखेंगे तो आपको ना मल्टीपल बहुत सारी चीजें नजर आ रही होंगी, मुख्तलिफ किस्म की, डेस्कटॉप ऑर्गेनाइजर, दूसरी चीजें, और मेल होल्डर में देखेंगे तो मैक्सिमम आपको मेल होल्डर ही नजर आ रहा होगा, यहाँ पे लिखा होगा मेल होल्डर। ठीक है, मेल ऑर्गेनाइजर भी इसमें थोड़ा थोड़ा आ रहा है, लेकिन मेल होल्डर भी आ रहा है, तो इसमें हम इस केस में हम मेल होल्डर को कंसिडर करेंगे, उसमें हमारे पास ज्यादा प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो मेल होल्डर ज्यादा शो कर रहे हैं। अक्रॉस द पेज 70% ना सेम प्रोडक्ट होनी चाहिए जो आपकी प्रोडक्ट है। ठीक है,
उसका मैं इसका मेन कीवर्ड मेल होल्डर ही बनेगा, और कोई और प्रोडक्ट है उसका भी यही तरीका आइडेंटिफाई करने का कि आपने उसका ना सेलर का रिवर्स एसिंग करके ना, तो 1 से 40 का फिल्टर लगा के सर्च वॉल्यूम से सॉर्ट कर लो, और यहाँ से आपको पता लग जाएगा जो हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम वाला होगा टॉप पे आ रहा होगा, सेम प्रोडक्ट के अक्रॉस द पेज 70% है कि ऐसी प्रोडक्ट शोर ही होगी, तो वही इसका मेन कीवर्ड होगा। ठीक है, और एक और सवाल था कि आपने अभी जो हमने सर्च किया इसमें आपने 2 मेन कैटेगरीज ली हैं, ऑफिस प्रोडक्ट्स भी लिया और होम एंड किचन, ये पॉसिबल है कि एक प्रोडक्ट 2 मेन कैटेगरीज में फॉल कर ली? पॉसिबल है, आप ये चीज नोट करो कि जो की हुक्स आया ना इधर, जहां जहां की हुक्स आ रहा है ना वो होम एंड किचन में आ रही है ये, और जहां जहां मेल सॉल्टर जो सब कैटेगरी है वो ऑफिस प्रोडक्ट्स में आ रही है। ठीक है, अब हमारी रिसर्च के हिसाब से जो हमने किया उसमें हमारी मिली है यहाँ पे ये की हुक्स, वो उसकी सब मेन कैटेगरी होम एंड किचन मानेगी अगर की हुक्स के हिसाब से जाएं तो। ठीक है, ये लेकिन मैंने आपको बताया हम इस केस में की हुक्स का हमारा सर्च वॉल्यूम ज्यादा है तो हम जी जी आवाज कट रही है आप। नहीं, अगर हमारा मिसाल के तौर पे की हुक्स का सर्च वॉल्यूम सबसे ज्यादा आया एंड पे, तो हम अपने मेन कैटेगरी होम एंड किचन लेंगे फिर। हाँ मेन कैटेगरी वुमेन किचन सब कैटेगरी की हुक्स। ठीक है ठीक है, मैनुअली भी आप देख सकते, मैनुअली तो आप आइडिया लगा सकते हो, मैनुअली का तरीका ये है कि टाइटल में मैक्सिमम सेलर्स के टाइटल से आपको आइडिया हो जाता है, जो टाइटल के शुरू के 3-4 वर्ड्स में मेन कीवर्ड आपको मिल जाएगा, मेल होल्डर मेल होल्डर मेल ऑर्गेनाइजर, ठीक है मेल होल्डर, तो यहाँ पे आपको पता लग रहा है कि यार मेल होल्डर ही, ठीक है यहाँ से देख के मेल होल्डर ज़्यादा आ रहा है इसलिए ये मेन कीवर्ड होगा। मेल ऑर्गेनाइजर का सच वाली माल तो आई है लेकिन उसमें और भी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, इसलिए हम उसके साथ ही जाएंगे जिसमें हमारी प्रोडक्ट ज़्यादा शो कर रहे हैं इस कीवर्ड। तो अगर आपने वैसे बेसिक आइडिया लगाना है तो आप मेरा मैक्सिमम केसेस में ही होता है, अगर कोई प्रोडक्ट इस तरह की मिले ना तो मैं टाइटल से आइडिया लगाता हूँ, तो वही ज़्यादातर में वही मेन कीवर्ड ही होता है उसका, टाइटल से ही आपको आइडिया हो जाता है टाइटल पर। और भी सवाल ठीक है, फिर इसको एंड करते हैं, और मैं आपको अपने पास ना आप गूगल क्लासरूम यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ अगर आपने यूज नहीं किया हुआ तो। दिखा दे ये गूगल क्लासरूम है, इसको आप ओपन करोगे तो यहाँ से आप अपने ना जीमेल की आईडी से लॉगिन कर लेना। ठीक है, यहाँ से ऐसे मैं साइन आउट करके आपको दिखा देता हूँ।
इसको आप साइन इन अपनी कोई भी जीमेल आप जो आईडी है उससे आप साइन इन कर लो। एक महीना दूसरी आई डी इसमें कर दें। अब आप लॉगिन कर लोगे ना आपको इस तरह की स्क्रीन शो होगी। ठीक है सागर बाबा, ये मैंने अब एक क्लास ज्वाइन की जिसको मैं अनइंस्टॉल कर, यहाँ से आप जाओगे प्लस पे और ज्वाइन क्लास करोगे। यहाँ पे मैं आपको एक क्लास कोड सेंड करूंगा बना के, आपने बस यहाँ पे अपना अपनी इसमें डाल के वो कोड ऐड कर देना तो आप ज्वाइन हो जाओगे ऑटोमेटिकली इस क्लास में। फिर मैं आपको बता दूंगा, आपको मैं कोई अनाउंसमेंट करूंगा उसमें कोई चीज कोई सबमिशन बनाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है ये क्लास है, उसमें आपने सिंपली जाके अपलोड कर देनी होगी अपनी सबमिशन। ठीक है ओके भाई, मुश्किल नहीं। ठीक है ओके, मैं रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ। Love is oh, love is.